the feeling is with retrospective effect. I felt that all of us were fools. My God, we have come this far, and those lovely grandparents of mine who said, "No, kabhi Jawaharlal mat bolna, Nehru bolna, wo kabhi Nehru nahi kehna, Pandit Nehru bolna." ये सब उल्लू थे, उनको मालूम नहीं था। Does Pandit Nehru end up like the virtuous young man who played piano in a brothel and did not know what is going on upstairs? Is that what it is? Now, these questions became very pertinent when my friend Rajiv Gandhi started talking about Ramraj. Hari? Ramraj? Ramraj लाएंगे, फिर शिलान्यास करवा दिया, फिर बाबरी मस्जिद गिर गई, प्राइम मिनिस्टर टीवी नसवाराम से फिर सचर कमेटी रिपोर्ट आई। सचर कमेटी रिपोर्ट में हमें बताया कि मुसलमानों की हालत पिछले 60 साल में दलित से नीचे हो गई। उसमें बुराई क्या है? अगर दलित भी नीचे तो मुसलमान भी नीचे हो सकते हैं, लेकिन दलित नीचे गए नहीं, मुसलमान वहाँ गए हैं। क्यों हुआ? लेकिन हमें क्या परेशानी है? सही हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, 5 स्टार होटल में अब बहुत अच्छा खाना खा गया है, अभी हमने अच्छे स्कूल में पढ़ा, हमारे दोस्त जो हैं बड़े अच्छे लोग थे, सब हिंदू थे, कोई हमने कम्युनलिज्म कभी एक्सपीरियंस नहीं की। तो फिर हमको परेशानी क्या है? हमको परेशानी ये है कि जो हमारे दोस्त जो हमारे साथ बड़े हुए, उन्होंने कहा कि सईद यार एक आर्टिकल लिखो फ्रॉम द मुस्लिम पर्सपेक्टिव। मैंने कहा तुम्हारे लिए भी मैं मुसलमान हो गया। वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया। समझे? विनोद मेहता मेरे साथ क्लास में थे, स्कूल में, हम लोग 6 साल की उम्र से एक साथ थे, कभी कोई फर्क था नहीं। एकदम से उसको लगा कि मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, तो ये क्या होता है मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू? तो हम पर थोप आ गया। एक दफ़ा निधि राजदान ने मुझे प्रोग्राम में बुला लिया। सब देयर वाज एन इशू विच वाज पर्टिनेंट टू मुस्लिम। उसने एक मैं एक कोई 2-3 मुसलमान, मैंने कहा तुमने मुझे मुसलमान समझ रखा है क्या? मेरी और कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैंने कहा आइंदा ऑन लाइव प्रोग्राम, मैंने कहा उसे तो आज तक बुलाया नहीं गया उसे, मैंने कहा नेवर एवर विल यू इन्वाइट मी ऑन अ प्रोग्राम आइडेंटिफाइंग मी एज अ मुस्लिम। I may have views on Muslims, but you will not invite me, because what you do is you are by othering me. You are making, you see, you say Saeed Naqvi is actually a nice fellow. वो तो कृष्ण के गीत भी सुनाता है, वो तो रामचंद्र जी की तारीफ भी करता है, उसने अब्दुल रहीम खान खाना की पोम सुनाता है, वो तो रामचंद्र जी के लिए संस्कृत में लिखते थे, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। अगर इतना ही अच्छा आदमी है, आपने कह दिया कि सईद नकवी, ऐसे सब क्यों नहीं हो जाते हैं भाई? या है श्री राम नकवी साहब, आपके जैसे सब क्यों नहीं हो जाते? मगर इससे ज़्यादा खतरनाक सवाल कोई नहीं। क्यों? बाई कन्फरिंग your approval of me, you are buying the right to dislike that other. कि नकवी साहब को बड़े अच्छे आदमी हैं, बियर भी पीते हैं, और खाना खा रहे, बहुत मजे की बातें करते हैं, वो बिल्कुल सेकुलर है। तो you're conferring your approval on me as a Muslim, you are buying the right to dislike that other, to hate that other. The idea is to remove hatred from the bargain. यंग लोग हमारे पॉलिटिशियंस के ट्रैप में आ गए हैं। गांधी जी ने भी शुरू में कभी मुसलमान को एज अ कल्चरल एंटिटी नहीं आइडेंटिफाई किया। भाई मुसलमान तो गालिब भी था, मुसलमान तो मीर तकी मीर भी थे, मुसलमान तो मखदूम मुहीउद्दीन भी थे, मुसलमान तो ये कुली कुतुब शाह भी था, भागवती से उसका इश्क था, मुसलमान तो वली दखनी भी था। वो लिखता था, पूछे यार ऐन काशी है, जोगिया दिल वहाँ का वासी है, माई बिलवेड्स टाउन इज लेन इज एग्जैक्टली लाइक द पवित्र सिटी ऑफ काशी एंड माई जोगी ऑफ माई हार्ट इज टेकन अवे। ये तो अरे भाई ये तो नकवी साहब के सब शेर याद है, वो तुम्हें नहीं याद आते। तुम पकड़ते हो इमाम बुखारी और जामा मस्जिद, उससे तुम हमें आइडेंटिफाई करते हो। क्यों तुम हमें इमाम बुखारी से आइडेंटिफाई करना चाहते हो? क्यों तुम हमें देवबंद के महमूद मदनी से आइडेंटिफाई करना चाहते हो? क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू ट्रीट मी ओनली एज अ रिलीजियस एंटिटी। यू डोंट वॉन्ट मी टू स्टैंड अप, यू डोंट वॉन्ट मी टू टॉक टू यू एज अ कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग। यू फॉलो, यू वॉन्ट टू कीप मी। ये तो उनका है। और आपका मुल्ला क्या करता है? उसने गिरफ्तार कर रखा है इनको, वो आपसे बारगेन करता है। मैं इनको जानता हूँ, इस मुल्ला जी से बात कर लो, तो 400,000 वोट जो है क्या आपने हैं। वो क्या करते हैं? तो सऊदी अरेबिया से पैसा लेके मदरसा खोल देते हैं। वो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन कर जुटने लगता है, टोपी लगा के, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? दुनिया में कहाँ जाएगा? वैसा वो यहूदी रोज तलकार लगाते हो तो रिंगलेट भी लगा के आते हैं, उनको लगाने। तो तुम्हें यहाँ अगर मिल के रहना है तो ज़्यादा अपने आप को अलग मत करो, जहाँ तक मिल सकते हो वहाँ तक मिलो। अभी तक तो तुम नहीं करते थे, वो तो तुम्हारी नकल करते थे। तुम अब किसी की नकल नहीं करते, तुम एक हफ्ता अलग उसमें आ गए। क्योंकि कुछ लोग चले गए दुबई में जाके नौकरी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ वेस्ट ने तुम्हारे ऊपर हिसाब डाला, तो तुम आइडेंटिटी में जिद में तो अपनी आइडेंटिटी बनाने में लग जाओ। अरे बचो, इनके साथ मिलो। ये सब के सब बुरे नहीं हैं। पॉलिटिशियन बुरा है, ये बुरे नहीं है, पॉलिटिक्स बुरी है। ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। कुछ लोगों ने मिलके गोबर का पेस्ट बनाया गाँव के यूरिन में और मुसलमान लड़कों को फैला दिया। मेरे गांव में जहाँ का मैं हूँ मुस्तफाबाद में, वहाँ से देहाती लोग बिटवा 2 दिन रोटी नहीं खाएगा, रो के हिंदू। तो ये तो जो तंजीमें कर रही हैं, ये हैं बेहुदा लोग। हिंदुस्तानी हिंदू बेहुदा नहीं है, उसको बुरा लगता है। ये जो काम कर रहे हैं ना, इनसे पूछो, ये रोने लगेंगे गरीब से। आप ये मिक्स कर जाते हैं और मीडिया प्ले करता है, और मीडिया का रोल बहुत ही इसमें खतरनाक है। आप एक ऑडियंस ये है। असदुद्दीन इज ए वेरी गुड स्पीकर। असदुद्दीन cites the constitution. Asaduddin says nothing that I have any objection to, but they do not like Asaduddin because he speaks up to them. They do not like a vertical Muslim. They don't like Asaduddin, his intellect they do not like. In Bihar they don't like Shahabuddin. They don't like a vertical Muslim. They want a Muslim to be solid there. They want a Muslim to be कोई टोपी पहने हुए, कोई अपना अलग अलग गली में गलियारों में बैठे रहो चुपचाप मदरसों में। जहाँ तुमने दो आँख मिला के बात की, वो उनको पसंद है। किनको नहीं पसंद है? उसको इसको हिंदुस्तानी को नहीं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनको। इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट तो ये हो गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की कमज़ोरी ये थी कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे कि माफिला मुसलमान कोझीकोड में रहता है, कुछ त्रिवेंद्रम में रहता है, कुछ चेन्नई में रहता है, कुछ रामनाथपुरम में रहता है, कुछ लंबाई जो है वो साउथ तमिलनाडु तिरुनेलवेली में रहता है, बंगाली मुसलमान मुर्शिदाबाद में रहता है, कलकत्ते में रहता है। ये सब लोग जो हैं, ये सब अलग अलग उनमें इनकी अपील से उस हद तक है कि भाई ये मुसलमान, लेकिन बेसिकली उनकी बंगालियत डोमिनेट करती है। बांग्लादेश ऐसे ही बना था। केरला में जब मलयाली बिलीव होता है, तो इसलिए ये इशू को कि मुसलमान हिंदू को ये कहने के लिए एक चीज़ मिल जाएगी कि देखिए मुसलमान संगठित हो रहे हैं, मुसलमान संगठित हो नहीं सकते क्योंकि हिंदुस्तान में कोई एक चीज़ इंडियन मुस्लिम नाम की है नहीं। केरला का मुस्लिम है, तमिलनाडु का मुस्लिम है, केलकराय का मुस्लिम है, बंगाल का मुस्लिम है, उड़ीसा का मुस्लिम है, आसाम का मुस्लिम है, अवध का मुस्लिम है जो कि दबा हुआ है, हैदराबाद का मुस्लिम है, सब अलग अलग बच्चे एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आयाज ये ख्याल है, ये फतूर है, नहीं खड़े हुए, वो अलग खड़े हुए, ये अलग खड़े हुए, अलग अलग सफ़े हैं। तो करना क्या चाहिए फिर? चाहिए कि इनके साथ मिल गए मुसलमान की मुसलमान, अगर असदुद्दीन ओवैसी खड़े हों तो उनके पीछे अगर दो मुसलमान हैं तो तीन हिंदू होने चाहिए, अगर एक हिंदू खड़ा हो तो उनके पीछे तीन मुसलमान हों, दो हिंदू। इस तरह की लीडरशिप आपको चाहिए, वरना आपको एक घेटों में और बिल्कुल सेक्टेरियन और कॉम्युनल लीडरशिप लेके आप क्या करेंगे? अगर यहाँ के सब लोग सब मुसलमान एक तरह मिल जाएँ तो मेजॉरिटी तो उनकी, फिर आप क्या कर पाएंगे? आप तो उनकी मदद कर रहे हो। इसलिए हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम लीडरशिप मुसलमान को नहीं चाहिए, वो लीडरशिप चाहिए जो हम समझते थे जवाहरलाल नेहरू थे। जो उन्होंने लेट डाउन किया वो दूसरी बात है, हाँ वो वहीं से यहाँ आई थी। भाई यहाँ पे जितनी निज़ाम के चारों तरफ ब्यूरोक्रेसी थी सब अवध से ही आई थी। जितने ये जंग और बिलग्रामी ये सब है, ये सब वहीं अवध, बिलग्राम अवध में ही है, ये सब वहीं के हैं, वहाँ से लेके आए थे। तो वो कंपोजिट कल्चर वहाँ से यहाँ आया, कंपोजिट कल्चर जो लेके आए थे वो वही था। लेकिन यहाँ पे हुकूमत निज़ाम थी, यहाँ पे अरे अभी तक तो वित्तल गाना गाता था, यहाँ पे वित्तल नाम का गज़ल गाने वाला था वित्तल, और इस तरह के लोग यहाँ बहुत थे। यहाँ पे शायर शायरी लोग करते थे जिनका नाम रेड्डी था, वो था। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, देखिए जिस तरीके से इसको ख़त्म किया गया वो मेरे नज़दीक वो बहुत बड़ा वो इंडिकेट करता है कि तुम्हारे दिल में क्या। धीरे धीरे इसको सम कर लेते हैं। 40,000 लोग मार दिए अकॉर्डिंग टू पंडित सुंदरलाल रिपोर्ट, रहना चाहिए, और दबा दिया, कोई बात नहीं करता उसकी। ये अफसोसनाक है।